सिनेमा और क्रिकेट दो ऐसी चीजें हैं जो मासेस में बहुत पॉपुलर हैं। जब भी क्रिकेट के राउंड फिल्म बनती है तो उनकी एक अपनी ही अलग हाइप होती है। कभी वो फिल्में बहुत अमेजिंग होती हैं, कभी वो फिल्में बहुत ही बिलो एवरेज होती हैं। मुझे ऐसे भी लगता है कि कितनी सारी क्रिकेट फिल्म्स तो हमने बहुत ही ओवर द टॉप और हीरो वर्शिपिंग फिल्म्स बनाई हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमने क्रिकेट को ऑथेंटिक वे में रिप्रेजेंट किया हो अपनी फिल्म्स में। दैट इट एक्चुअली फील्स लाइक यू आर वॉचिंग अ स्पोर्ट्स फिल्म, नॉट जस्ट अ मिमिक्री बाय सम एक्टर। ये वीडियो उन्हीं फिल्म्स के बारे में है जो क्रिकेट को ऑथेंटिक वे में पोर्ट्रे करती हैं। द क्रिकेटिंग शॉट्स, वो क्रिकेट की फील, वो क्रिकेट का पैशन, एक्टर की परफॉर्मेंस, हर उस इमोशन से आप वो क्रिकेट ऑथेंटिसिटी फील करते हो। ये वीडियो उन्हीं फिल्म्स के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज वर्ल्ड कप चल रहा है एंड यू नो टॉकिंग अबाउट क्रिकेट थ्रू सिनेमा इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शायद आपको इस वीडियो में कोई ऐसी फिल्म मिल जाए जो आपने आज तक देखी ही ना हो। नंबर 7, जर्सी। नानी को नेचुरल स्टार क्यों कहा जाता है वो मुझे जर्सी देखने के बाद पता चला। फिल्म में हम एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी देखते हैं जो अपने लेट 30s में दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू करता है। उसको इस एज पे क्या डिफिकल्टीज आती हैं और किन सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है वो इस फिल्म में हम देखते हैं। नानी ने जिस तरह से वो फिल्म में शॉट्स खेले हैं क्रिकेट के, जिस तरह से वो छक्के मारते हैं लिटरली बाउंड्री के पार, वो बहुत ही प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। फिल्म में वैसे तो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं, फिल्म बहुत इंस्पिरेशनल है, लिटरली आप रोने लग जाते हो एंड में, बट इन क्रिकेटिंग टर्म्स इट वाज वे मोर ऑथेंटिक देन मेनी अदर मेनस्ट्रीम फिल्म्स। नंबर 6, '83। दिस इज अ फिल्म अबाउट इंडियाज 83 वर्ल्ड कप जर्नी। इसमें भी क्रिकेट को बहुत ही रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया था। दो आई डू बिलीव कि बेस्ट लुकिंग वे में तो क्रिकेट को नहीं पोर्ट्रे किया गया था, बट आपको ये चीज भी ध्यान देनी चाहिए कि 80s के एरा में बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट होते थे। फिल्म ने वो एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। मैं 83 को ड्रामा वाइज तो वीक फिल्म मानता हूँ, बट क्रिकेटिंग वाइज थोड़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म मानता हूँ। What do you think are your team's chances in the cup? We hear to win. To win the World Cup. What does we here for? Number 5, कौन परवीन तांबे। फिल्म IPL से फेमस हुए स्पिन बॉलर परवीन तांबे की स्टोरी दिखाती है। परवीन तांबे ने कैसे 40 प्लस की एज में अपनी क्रिकेटिंग पीक दिखाई थी, और इस एज में तो लिटरली क्रिकेटर्स रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। जिस तरह से फिल्म एक मिडिल क्लास आदमी की हार्डशिप्स और कैसे वो अपना घर चलाता है अपने क्रिकेटिंग पैशंस के साथ, दोनों एस्पेक्ट्स को फिल्म में बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जाता है। ये फिल्म कोई बिग बजट फिल्म नहीं थी, सो इसमें जो क्रिकेटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं वो लिटरली रियल मैचेस की जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में होते हैं उनके थ्रू दिखाई जाती है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें वो हीरोइज्म और वो फैंसी कैमरा एंगल्स नहीं है, इसीलिए मुझे ये फिल्म एज अ स्पोर्ट्स बायोपिक बहुत पसंद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और तेरे को एक अच्छा मीडियम पेस बॉलर। नहीं 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 नहीं, सोच मत यार, जहां सोचा वहीं लोचा। नंबर 4, इकबाल। श्रेयस तलपड़े की एक और फिल्म, वो भी क्रिकेटिंग फिल्म, इसका नाम है इकबाल। ये मेरी चाइल्डहुड की फेवरेट फिल्म्स में से एक थी। इकबाल में हम एक ऐसे एस्पायरिंग क्रिकेटर की कहानी देखते हैं जो एक फास्ट बॉलर बनना चाहता है पर वो बोल और सुन नहीं सकता है। फिल्म में जिस तरह से फास्ट बॉलिंग के एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता है, इट वॉज समथिंग वेरी ऑथेंटिक। सबसे पहले तो फास्ट बॉलिंग के अराउंड बहुत कम फिल्म्स बनती हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि अपने हीरोज को बैट्समैन दिखाते हैं और इस तरह से हीरोइक वे में उसको बैटिंग करते दिखाते हैं, बट इकबाल बहुत ही डिफरेंट क्रिकेटिंग फिल्म थी कम्पेयर टू ऑल द अदर क्रिकेट फिल्म्स आई हैव सीन। और मुझे आज भी लगता है कि इस फिल्म की रेलेवेंसी कम नहीं हुई है। मेरे इकबाल के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है, कुछ कर दिखाएगा वो। नंबर 3 पे जो फिल्म है ये बहुत ही रेयर फिल्म है, इसका नाम है 1983। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के बारे में पता भी नहीं होगा। 1983 एक मलयालम फिल्म है और एक बहुत ही मजेदार फिल्म है ये। फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे जब इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो उसके बाद एक क्रिकेटिंग क्रेज आ गया था पूरी नेशन में। इस फिल्म में भी हम केरला के एक छोटे से विलेज की कहानी देखते हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं एंड इट बिकम्स अ पैशन फॉर देम। जिस तरह से फिल्म में क्रिकेट मैचेस को दिखाया जाता है, गांव के बीच, मिट्टी में, पानी, समंदर, बारिश, सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक फील होते हैं सारे मैचेस। अगर आपने गली क्रिकेट खेला है या फिर उन खाली ग्राउंड्स में कम लोगों के साथ क्रिकेट खेला है तो आपको ये फिल्म बहुत रिलेटेबल लगेगी। ओवरऑल अगर मैं स्टोरी वाइज भी बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी फादर एंड सन स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट अगर आपको रियलिस्टिक स्पोर्ट्स ड्रामा देखना पसंद है। 1983 इज अ मस्ट वॉच। बिल्ली बस या गेंदबाज, बैट्समैन आनो बॉलर आनो
बैट्समैन। नंबर टू, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर मेनस्ट्रीम क्रिकेट फिल्म, पर यह भी एक फैक्ट है कि इस फिल्म की वजह से ही क्रिकेटिंग बायोपिक्स का बनना शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड में क्रिकेट फिल्म्स बनती रहती थी बट उनमें जो क्रिकेट होता था वो बहुत ही अनऑथेंटिक लगता था। ऐसे लगता था कि जो भी लीडिंग कैरेक्टर क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहा है उसे लिटरली क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है। वो लिटरली बहुत फनी लगते थे क्रिकेट शॉट्स खेलते हुए। सुशांत सिंह राजपूत ने एज एन एक्टर ये बैरियर ब्रेक किया था। उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग की थी वो साफ दिखता है स्क्रीन पे। उनके क्रिकेटिंग शॉट्स देखते ही इस फिल्म में आपको पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी प्रिपरेशन की थी अपने कैरेक्टर के लिए। एम एस धोनी जैसे लेजेंड की बायोपिक में अगर क्रिकेट ही ढंग से नहीं दिखाया जाएगा सो इमेजिन फिल्म कितनी वीक लगती। सुशांत ने पूरी तरह इस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया था। धोनी ने भी जब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की वो वीडियोस देखी थी क्रिकेट खेलते हुए तो वो भी हैरान रह गए थे उनका स्किल सेट देख के। उन्होंने लिटरली सुशांत को कॉम्प्लीमेंट किया था कि तुम एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर की तरह लग रहे हो। सो इन क्रिकेटिंग टर्म्स एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वॉज अ ग्रेट क्वालिटी फिल्म। अगर माइया का इतने से मन नहीं भरा तो मतलब हमारा मन कहता है ये थोड़े से मैं खुश होने वाला नहीं है। नंबर वन, लगान। ये एक ऐसी फिल्म थी जो हर एस्पेक्ट में टॉप नॉच थी। फिल्म में जिस एरा का क्रिकेट दिखाया गया है उस वक्त की तो इवन वीडियो फुटेज मिलना भी पॉसिबल नहीं है। लगान में जिस तरह से हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी के साथ क्रिकेट मैचेस को दिखाया जाता है इट रियली मेक्स अप फॉर अ ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अब फिल्म की आर्ट डायरेक्शन और ऑथेंटिसिटी देखो। वो हाथ से बनाए गए पैड्स, बिना शूज के वो नंगे पैर बॉलिंग करना, ना कोई यूनिफॉर्म ना कोई जर्सी, सिर्फ रॉक क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट। इस फिल्म के सभी क्रिकेट सीन्स बहुत हार्ड हिटिंग थे, शायद इसीलिए लगान को एक ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म माना जाता है। Nobody could have thought कि आधी से ज्यादा फिल्म में क्रिकेट मैच दिखाया जाएगा और ऑडियंस बोर नहीं होगी। इस तरह की फिल्म ऑडियंस ने पहले नहीं देखी थी। दिस इज why लगान विल बी ऑलवेज अ ट्रू मास्टरपीस। ऐसी फिल्म लाइफ में एक ही बार बनती है। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगान देगा। Alright, that's all for this video. ये तो थी वो फिल्म्स जो मुझे क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत ऑथेंटिक लगती हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन सभी में से कौन सी फिल्म क्रिकेटिंग वाइज सबसे सही लगती है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, so do drop your comments. Alright then, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching Film Companion Local for more video essays like these.